आपको मिलेंगी सामान्य हिंदी, गणित, भारतीय इतिहास, मूल विधि, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, रसायन विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योग्राफी और यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। ये सभी बुक्स आपको मिलेंगी मात्र 1499 में। तो आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9873111552 पर कॉल या व्हाट्सएप करें 8448116245 पर। धन्यवाद। साथियों, आप सभी के लिए एग्जाम्पल लेकर आया है यूपीएसआई 2020-21 एग्जाम के लिए 14 बुक्स का कॉम्बो से। हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। एग्जामपुर के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है बच्चों, तो आज फिर हम आपके सामने एक नए क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन चाहे छोटा हो बड़ा हो सभी हमें करने हैं, क्योंकि नहीं पता हमारे एग्जाम में कौन से और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस की कर लेंगे उतना ही हमें एग्जाम में कंफ्यूजन के चांसेस नील हो जाएंगे। इसीलिए चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है 3, डेंगू मच्छरों द्वारा फैलने वाला प्रोटोजोआ रोग है। डेंगू तो फैलता है वायरस से, वायरस की बीमारी है, लेकिन फैलाने वाला जो वेक्टर है वो एडिस मॉस्किटो है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो रिट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी रिट्रो ऑर्बिटल पेन दर्द डेंगू का लक्षण नहीं है, है। इसमें ये पूछा है, ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या सही है। ठीक है, कितने सही हैं? तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि तो जबकि ये लक्षण है, स्किन रैश, नाक और मसूड़ों से खून आना डेंगू का मुख्य लक्षण है। बिल्कुल सही, ये ठीक है। डेंगू में स्किन पर रैशेस बन जाते हैं और जैसे जैसे प्लेटलेट की संख्या कम होती चली जाती है वैसे वैसे बॉडी से ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। जब प्लेटलेट्स की संख्या 20,000 से कम होनी शुरू हो जाती है ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रहे, डेंगू में नाक से खून आता है, रैशेस बनते हैं, प्लेटलेट 10,000 से कम होने पर कई बार बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और ये बीमारी फैलती है एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलती है। एडिस नाम का मच्छर जो साफ पानी में रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ये ऑप्शन ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रेस्पायर, कीट श्वसन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल जय एग्जामपुर बच्चों, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक है बच्चों, पढ़ाई पे ही ध्यान दो, आपस में बातचीत पे नहीं। देखो इधर, जो कीट होते हैं कैसे श्वसन करते हैं, स्किन के द्वारा, नो, थ्रू गिल्स, नो, लंग्स, नो, ट्रेकियल सिस्टम, यस। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, मैं फिर एक बार फिगर बना के बता देता हूं, ये कॉकरोच बनाया है मैंने एक तरह से, ये मान लो कॉकरोच। कॉकरोच के साइड में होल्स होते हैं, उन्हीं को ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं, ट्रेकिया, यही ट्रेकियाज हैं, साइड में छेद होते हैं। कॉकरोच कभी, यानी सभी इंसेक्ट सिर से हेड रीजन से सांस नहीं लेते हैं, वो तो अपने साइड्स में जो छिद्र होते हैं उनसे ऑक्सीजन ले जाते हैं, इन्हीं को वातन छिद्र भी कहते हैं, वातन छिद्र, वायु ले जाने वाले छिद्र। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब
मनुष्य में आमतौर पर जिसमें निम्न भागों में से एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। ठीक है, अब दिख जाएगा। ठीक है भैया, हो गया जूम। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ये है आपको वो पार्ट बताना इनमें से जहां पर स्पर्म एंड एग फ्यूज होते हैं। शुक्राणु और डिंब, डिंब अंडे को कहते हैं, शुक्राणु स्पर्म को कहते हैं। तो अब बताओ गर्भाशय की ग्रीवा, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग, यहां पर फर्टिलाइजेशन वाली प्रक्रिया होती है। सभी बच्चे जानते ही होंगे, नहीं तो हम सीख लेंगे। ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब आपको मैं हल्का सा एक फिगर बना देता हूं, थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। ये गर्भाशय हो गया, ये है फेलोपियन ट्यूब, जहां पर स्पर्म, ये ओवरी होती है साइड में पेयर, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। डिंब वाहिनी भी कहते हैं इसको हम, डिंब वाहिनी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से निकलना और उल्टी करना नियंत्रित होता है? उल्टी का, ठीक है, और निकलने का, स्वेलो का और वोमिटिंग का नियंत्रण होने वाला, निकलना और उल्टी करना। यह है मेडुला ओब्लोंगाटा। यहां से उल्टियां जो आती हैं यहीं से कंट्रोल होती हैं, ठीक है, और यहीं से हमारा निगलने का जो काम होता है इसी से कंट्रोल होता है। खाना मुंह में होता है, जैसे ही अंदर को हम लेते हैं तो अपना आप ही वो थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ता है, टंकी शेप को चेंज करते हैं, जैसे ही जाता है तो वहां का जो पार्ट होता है ओपन हो जाता है, फूड नीचे उतरने लगता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लिवर, इनमें से यकृत का क्या कार्य है, किसका उत्पादन करता है यकृत? यकृत में पैदा होता है यूरिया, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, और यूरिया को शरीर से बाहर करना ये किडनी का काम है। किडनी यूरिया को बाहर करती है, यूरिन बनाकर बाहर भेज देती है, यानी किडनी का काम रक्त को छानकर हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, लेकिन यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूरिया कहां बनता है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, किडनी का काम तो यूरिया को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देना रहता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे बच्चे यूरिया वाले क्वेश्चंस को, ये पहले भी शायद आ गया होगा ये क्वेश्चन। मानव प्रणाली में से निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं? चार ऑप्शन है, इसमें से एक हार्मोन दे रखा है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन,
गैस्ट्रिन, सही जवाब तो हमारा गैस्ट्रिन हो गया क्योंकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। टाइलिन स्टार्च का पाचन। पेप्सिन वी प्रोटीन का पाचन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी जिसका रक्त समूह नहीं पता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक गंभीर दुर्घटना से मिलता है और उसे तुरंत रक्त आदान की आवश्यकता होती है, तुरंत ब्लड चाहिए उसे, नीचे वर्णित रक्त समूह में से कौन सा एक और अस्पताल में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, आदान के लिए सुरक्षित होगा, कौन सा ब्लड बिना जांच करे उस व्यक्ति को दे देना चाहिए इनमें से, चारों में से। ORH पॉजिटिव, ORH नेगेटिव, AVRH पॉजिटिव, AVRH नेगेटिव। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा, जो होगा यूनिवर्सल डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर होगा, सर्वदाता, जो सबको दे सकता है वो है ये। ओ नेगेटिव भी बोल देते हैं हम इसको। ओ नेगेटिव का मतलब आरएच नहीं होता, रिसेस नाम की प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है, आप समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, याद रखोगे जरूर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। Which one of the following part of the pitcher plant become modified into a pitcher? घड़े के पौधे, दरअसल में इसका घड़े का पौधा का इसे हम बोलते हैं घटपर्णी। कौन सा एक भाग घड़े में बदल जाता है? दरअसल में जो पिचर प्लांट है ये इसको बोलते हैं कीटभक्षी, कीटभक्ष, इंसेक्टिवोरस, कीड़े खाने वाला। तो यह पूछा है इस प्लांट में एक छोटा सा घड़े का आकार का स्ट्रक्चर बन जाता है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, उनको पकड़ लेता है। बच्चे बता भी रहे हैं हमारे, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, बच्चों ने बता भी दिया, पर अभी सही जवाब नहीं आ रहा है। सही जवाब है जो घड़ा जो ये बन जाता है ये पत्ती का भाग होता है, लीफ रूपांतरित हो जाती है घड़े के आकार में, और इस घड़े में ये कीटभक्षी पौधा इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है, ढक्कन बंद कर लेता है और उनसे आवश्यक पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। हम खाना तो बोलते हैं लेकिन ये अपना भोजन तो फोटोसिंथेसिस से ही करता है, लेकिन कीड़े से नाइट्रोजन और फास्फोरस का अवशोषण करता है, क्योंकि इस कीड़े को मिट्टी से नाइट्रोजन वाली चीजें नहीं मिल पाती है, नाइट्रोजन वृद्धि के लिए जरूरी होता है। तो आप समझ गए, तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट पिचर प्लांट है उसमें पत्ती घड़े का रूप ले लेती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किसका रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? वो थी मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में किया गया था लोगों को मारने के लिए, जो बहुत गलत था। आज की डेट में तो ऐसी बहुत सारी गैस बन चुकी हैं जो केमिकल वॉर में यूज हो सकती है। बायोलॉजिकल वार यदि हम बात करें तो चाइना ने यदि जान के कराए तो ये बायोलॉजिकल वार के लिए ही कराए,
कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बेकार करने के लिए और वैक्सीन और अन्य चीजों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मस्टर्ड गैस। निम्न में से कौन सा कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेट, जैविक खेती, शिफ्टिंग खेती, अधिक उपज के देने वाली किस्में और कांच के घरों में उगने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कहा जाता है, वहां पूरी तरीके से वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है, यहां पर किसी भी तरह का नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पॉलिथीन, प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है और उस स्टेट का नाम है सिक्किम। इंडिया की पहली स्टेट है, 2015 में या 16 में डिक्लेयर हुई थी, शायद 15 में इंडिया की पहली स्टेट। दूसरी केरल इसकी तरफ है, लगभग काफी उसने फॉलो करा इन सब चीजों को, और भी हम बाकी और स्टेट भी धीरे धीरे इन चीजों को फॉलो करने की ओर हैं कि हम जितने भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं, पॉलिथीन, प्लास्टिक और कांच और ये टिन वगैरह, इन सब का उपयोग मिनिमाइज करें और अपने खेत में तो बिल्कुल ना पहुंचने दें, क्योंकि यही चीजें फिर हमारे खाद्यान्न के साथ आती हैं और हमारी फसल को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन चक्र के किस चरण में रेशम का कीड़ा वाणिज्य के फाइबर का उत्पादन करता है, यानी फाइबर बनाता है, का निर्माण करता है, वो है लार्वा। लार्वा की अवस्था में, क्योंकि जो जो रेशम का कीट को पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या करता है, इसमें रेशम यानी सिल्क का उत्पादन करता है और सिल्क को करने वाला वो जो कीड़ा है, ठीक है, उसकी लार्वा की स्टेज पर उसके वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए इस धागे में बंद कर देता है और इस धागे को हम निकाल लेते हैं, उससे सिल्क बनाकर कॉमर्शियली उसका उपयोग अपने वस्त्र बनाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट में चलते हैं अब। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस वो प्रक्रिया है, जब आप तो आप इसमें से छांट लोगे, मेटास्टेसिस का संबंध है कैंसर से, लिंक टू कैंसर। इसका मतलब यह है, हिंदी अंग्रेजी यही रहेगी, कैंसर का शरीर में फैलने की प्रक्रिया। फैलने की प्रक्रिया, कैंसर के फैलने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। बस इसमें देख लें, ये आ गया, कैंसर सेल्स, कैंसर कोशिका रक्त या लसिका के द्वारा अन्य साइट अंगों में फैल जाती हैं, ये जवाब इसका हो गया। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब कैंसर एक अंग से निकलकर दूसरे अंग में पहुंचने लगे, ये सबसे खराब स्थिति होती है। देखो कैंसर, जब हमारी थ्योरी की क्लास चलेंगी तो हम इसमें बताएंगे आपको, कैंसर दरअसल में दो तरह के होते हैं, एक जो फैलता नहीं है, उससे कोई नुकसान खास नहीं होता, कई कई साल तक हम इंतजार कर सकते हैं उसके और कोई विशेष इलाज की जरूरत नहीं, अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो कैंसर फैलता है वही जानलेवा होता है, उसी की जांच कराई जाती है, बायोप्सी कराई जाती है, पता लगने पर फिर उसकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, मेटास्टेसिस। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम।
जीवित जीवों में नई प्रजाति के उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार एक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो ऐसा है, दुनिया में 17-18 लाख जीव पाए जाते हैं और लगभग ऐसा बोला जा रहा है इतने ही लगभग अपनी डिस्कवरी का इंतजार कर रहे हैं, खोज का। सबसे ज्यादा ऐसे पौधे जो अभी तक या जीव जंतु जो खोजे नहीं जा चुके हैं वो हैं अमेजन के जंगलों में, समुद्र की तली में। पिछले दिनों अभी इसी साल समुद्र की एक मिट्टी में काफी गहराई में मतलब ड्रिलिंग की गई और वहां से मिट्टी के जो नमूने लिए गए समुद्र के अंदर से, वहां पर 40,000 लगभग 40,000 प्रकार के जीवाणु मिले जो हमारे इस समय जीवाणु हैं उनसे बिल्कुल भिन्न हैं। हालांकि ये चीजें इतनी रिसर्च करना कि समुद्र के अंदर भी 2 किलोमीटर गहरी उसमें ड्रिलिंग करके उनको निकाल के लाना, हो सकता है ये कहीं परेशानी इतनी रिसर्च हमारे लिए जानलेवा साबित ना हो जाए, हम ऐसे खतरनाक जीवाणु ना निकाल लें कहीं वही बीमारी फैला दें। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जितने के विज्ञान जितनी प्रगति कर रहा है अपनी मौत के लिए भी रास्ते खुद बना रहा है। जब मनुष्य इतनी प्रगति नहीं कर रहा था ना उतनी बीमारियां नहीं थी, ठीक है। जितना हम कोशिश करेंगे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करने का उतना ही ज्यादा बीमारी हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका जवाब है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सेलेक्शन के द्वारा प्राकृतिक चयन, प्रकृति में अपने आप होने वाला। जैसा भी वायुमंडल में परिवर्तन कम ज्यादा होता है वहां पर नई नई जातियां अपने आप बनना शुरू हो जाती हैं, उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं, ठीक है। लुप्त भी होंगी, लुप्त भी आज भी हो रही है, पहले भी होती थी, पहले भी नहीं बनती रहती, आज भी बनेंगी और आगे भी बनेंगी, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम एंटीजन, ठीक है भाई, नरेंद्र ने, कृष्णा ने, ठीक है, और ये इसने रोहित ने, भाई आपस में इस तरह की बातें एक दूसरे से मत पूछो कौन कहां गया हुआ है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, ठीक है। एंटीजन, एंटीजन क्या है? एंटीजन को हम कहते हैं, ध्यान रहे मैं लिख देता हूं पहले, क्या होता है ये? फॉरेन बॉडी, विदेशी पदार्थ। ये है वायरस, बैक्टीरिया और पॉइजन वाले सब्सटेंस, जहर, जीवाणु, विषाणु, ठीक है। अब एंटीजन करता क्या है हमारे बॉडी में आकर के? शरीर का तापमान कम करता है, नो। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, नो। प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करता है, यस। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रांग करके, क्योंकि ये वाला हानिकारक बैक्टीरिया खुद ही बैक्टीरिया है, वो तो ये हमारे WBC को प्रेरित करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। और इम्यूनिटी का संबंध हमारे WBC से होता है, WBC को प्रेरित करना एंटीबॉडी के निर्माण के लिए। ठीक है, ध्यान रहे, अच्छा क्वेश्चन है। और यही इस समय, जैसे आजकल एक बात और बताते हैं आपको, डेंगू से, कोरोना वायरस से संबंधी, इस समय इंडिया में जितने लोगों को कोरोना का पता लग रहा है कि इतना भाई 1 करोड़ इतने लाख हो गए, इससे कहीं ज्यादा लोगों का पता भी नहीं चला कब होके कोरोना खत्म हो गया। जब वो वायरस गया अंदर तो वायरस एंटीजन का रूप था, उसने जाकर के WBC को प्रेरित कर दिया, बॉडी में क्या बन गई? एंटीबॉडी बन गई। और एंटीबॉडी यदि बन जाए अपने आप तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। यदि जो वैक्सीनेशन की बात चल रही है बनी बनाई डाली जा रही है, ठीक है, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होगी, यदि बॉडी में अपने आप बनेगी तो ये लंबे समय तक काम करेंगी। तो ध्यान रहे, बाहर से कोई भी एंटीजन आता है ये बॉडी के, इनको प्रेरित करता है WBC को एंटीबॉडीज बनाने के लिए, यानी अब उनको ललकारता है, चैलेंज करता है, बस एंटीबॉडीज इनको नष्ट कर देती हैं, एंटी
जेंट्स को। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लौंग के तेल का एक सक्रिय घटक है? लौंग के तेल में क्या होता है? लौंग का तेल जो होता है ना, क्लोव ऑयल जो होता है, ये पेन किलर है, वो है यूजिनॉल। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। यूजिनॉल लौंग के तेल में होता है जो दर्द को दूर करता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एलिसा टेस्ट होता है, एक व्यक्ति का पता लगाने के लिए पहले या सबसे बुनियादी परीक्षण के रूप में नियोजित किया जाता है। ठीक है, कैंसर के लिए, कैंसर का पता लगाना, नहीं, नो। एलिसा से कैंसर का पता नहीं लगता, एलिसा से पता लगता है, ध्यान रखना, एंटीजन या एंटीबॉडी का। और इसमें पूछा गया है कैंसर का, ठीक है, तो कैंसर का पता नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट 50% ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव आरएच पॉजिटिव, ठीक है, ये है 80%, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें हमारा नाइदर वन नॉर टू, कोई भी सही नहीं है। आरएच पॉजिटिव लगभग 80-85% लोग पूरी दुनिया में हैं। आरएच पॉजिटिव का मतलब जिनके अंदर रीसस नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए, तो दोनों ही ये वाले ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर के संदर्भ में क्वेश्चन है ये, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, यानी पित्त नली जो होती है जहां पर बाइल जूस चलता है। बाइल जूस क्या स्टमक में पहुंचता है? नो, बाइल जूस पहुंचता है स्टमक में नहीं पहुंचता, ये पहुंचता है छोटी आंत में, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया। पैंक्रियाटिक डक्ट रिलीजेस इट्स कंटेंट इनटू ड्यूओडेनम, हाँ ये सही है। जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय वाहिनी अपनी सामग्री को, ये ड्यूओडेनम छोटी आंत का ही भाग है, ये छोटी आंत का भाग। तो दूसरा स्टेटमेंट ये वाला सही है, तो टू ओनली स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निम्न में से कौन सा कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच एक उपयोगी कार्यकारी संबंध है? हमारे कुछ ट्रीज जो होते हैं फंगस के साथ मिलकर एक सिंबायोसिस, सहभागिता बनाते हैं, जिसे बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा बनती है, एक तो इसमें क्या, कवक, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ट्रीज कह सकते हैं हम, पेड़ों के कवक। जब कवक, अब कवक का इसका फायदा यह होता है, माइकोराइजा जो बन जाता है, माइकोराइजा पौधे की जड़ों को खनिज की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है और जल की अवशोषण क्षमता को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए अब आप ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके सामने नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।
ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड जय एग्जामपुर, जय हिंद बच्चों। कर्म योद्धा एक ऐसा मिशन है जिसमें आप कर्म करके अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए और हिस्सा बन जाइए अब तक के सबसे बड़े कर्म युद्ध का, और कर दीजिए नाम रोशन अपने घर परिवार माता पिता का। SSC CHSL कर्म योद्धा बैच शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा 6-7 घंटे के लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज PDF, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और आज ही डाउनलोड करें एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप। तो बन कर्म योद्धा।